दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के शूटरों के बीच रविवार देर रात मयूर विहार के इस इलाके में जबरदस्त इनकाउंटर हुआ, जिसमें खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के दो शूटर गिरफ्तार हुए हैं। अगर आप ये सड़क पर देखें तो ये जो मार्क है, ये मार्क ये बताता है कि कहां-कहां बुलेट वो गिरा, यानी कितने राउंड गोली चली। तो यहां पर जो मार्क है उसके मुताबिक तकरीबन स्पेशल सेल और जो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के शूटर है उनके बीच 14 से 15 राउंड फायरिंग हुई। इस इनकाउंटर में एक शूटर को गोली लगी है जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया है, जबकि दूसरा जो शूटर है उसको सेफली स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर एक पंजाबी सिंगर समेत कुछ वीवीआईपी लोग थे। अगर अर्श डाला की बात की जाए तो फिलहाल कनाडा में बैठा हुआ है, एनआईए से वांटेड है, उसके अलावा पंजाब और दिल्ली पुलिस से भी वांटेड है। लगातार कनाडा में बैठकर भारत में और खास तौर से पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो जाहिर सी बात है स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दो शूटर गिरफ्तार हुए हैं, एक को गोली लगी है, एक को सेफली पकड़ा गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है।